हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को इंटरमीडिएट के सिलेबस से भौतिक विज्ञान का आठवां भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इस आठवें भाग में आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम भिन्न भिन्न हो तब लेंस के अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, या तब लेंस के अपवर्तन का सूत्र हम क्या प्राप्त करेंगे। इसके विषय में मैंने हेडिंग भी बोर्ड पे लिख दी है। उम्मीद है आपको ये हेडिंग समझ में बिल्कुल आएगी और भरोसा है बिल्कुल आप इसे समझ लेंगे। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम भिन्न भिन्न हो तो पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, यही आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिए, इसको समझने से पहले आप फिगर को अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले एक लेंस यल ले लिया गया। कौन सा लेंस है? एक लेंस यल है, दिखाई दे रहा है, जिसकी मोटाई ये देखिए स्मॉल टी है। इस लेंस की मोटाई क्या है? स्मॉल टी हो गई। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से सी से एक रेखा गई है। जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से रेखा गई है वही मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है, ठीक। इसके बाद ये लेंस जो है यल है, ये कांच का बना है और इसका अपवर्तनांक जो है, इसका अपवर्तनांक एन टू है। लेंस के बाईं ओर है और ये दाईं ओर, इधर जल है, ठीक, और ये माध्यम क्या है? तीन है, और ये माध्यम तीन है। इसका अपवर्तनांक जो है ओ एन थ्री है। इसका अपवर्तनांक क्या बेटा? एन थ्री है। लेंस के बाईं ओर क्या है? वायु है। क्या भैया? वायु है। और जब ये वायु है तो विरल होगी। ये माध्यम आपका एक है और माध्यम एक का अपवर्तनांक क्या है? एन वन है। हो गया। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, लेंस के बाईं पाले पृष्ठ ये ध्रुव P1 हो गया, दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 हो गया। अब लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O है, जहां पर एक प्रकाशिक वस्तु है, उससे प्रकाश की किरणें चल रही हैं, ये चली। अब ये जो प्रकाश की किरणें चली, यहां लेंस से इसका अपवर्तन हुआ और इसका प्रतिबिंब आई डैश बन गया। पहले पृष्ठ से बिंदु ओ की दूरी, यानी ये वस्तु है, वस्तु की दूरी यू होगी। पहले पृष्ठ से यहां से इस प्रतिबिंब की दूरी वी डैश हो गई। पहले आप इतना समझ लीजिए, फिर आगे देखिए। दूसरे पृष्ठ के लिए, इधर वाला जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लिए ये जो आई डैश बना ना, ये आई डैश इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब ध्यान दीजिए, तो P2 से हमें इसकी दूरी ज्ञात करनी होगी। P2 से इस आई डैश के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? पहले इस पृष्ठ से
ये जो प्रतिबिंब बना है वी डैश जो बना है यहाँ से यहाँ तक है और लेंस की मोटाई इतनी है ध्रुव पी टू तक है। यही टी वी डैश में से यदि घटा देते हैं तो क्या आ जाएगी, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी वी डैश माइनस टी हो जाएगी। आया, दूसरे पृष्ठ के द्वारा इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आई बनता है, क्या बनता है आई बनता है। इसकी ध्रुव पी टू से दूरी क्या होगी ए वी हो गई। इतना समझ में आया, फिगर को एक बार और। एक पतला लेंस एल है जो कांच का है, इसका अपवर्तनांक एन टू है और ये माध्यम दो है। इस तरफ का वायु है ये माध्यम एक है, इसका अपवर्तनांक एन वन है। ये जल है ये माध्यम तीन है और इसका अपवर्तनांक जो है वो एन थ्री है और ये लेंस का मुख्य अक्ष स्थित है। लेंस के प्रकाशी केंद्र से रेखा गई थी, इस पृष्ठ का ध्रुव पी वन और इस पृष्ठ का ध्रुव पी टू है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु O है, यहाँ से एक प्रकाशिक वस्तु रखी गई है, इससे प्रकाश की किरणें चलती हैं। देखिए चली हैं, पहले पृष्ठ के द्वारा इसका प्रतिबिंब I डैश बना जिसकी पहले पृष्ठ से दूरी V डैश है। अब ये I डैश इस दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा, जब ये वस्तु का कार्य करेगा बेटा तो P2 से I डैश की दूरी भी हमें पता होनी चाहिए। तो P2 I डैश की दूरी कैसे निकलेगी, P1 I डैश में से P1 और P2 के बीच की दूरी स्मॉल t है, यही t V डैश में से घटा देंगे तो P2 I डैश बनेगा। अब दूसरे पृष्ठ के द्वारा आई डैश का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बनता है और इसकी दूरी P2 से आई तक कितनी है V है। इतना समझ में आया, अब चलिए क्या लिखेंगे, यहां से दिखाई दे रहा है, माना एक पतला लेंस L है जिसकी वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। ठीक, लेंस के बाईं ओर बाईं ओर माध्यम एक का अपवर्तनांक n1 है। ठीक, दाईं ओर के माध्यम तीन का अपवर्तनांक, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक क्या है n3 है। ठीक, और लेंस जिस पदार्थ का बना है, लेंस जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक
एन टू है, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ओ है, क्या है? मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ओ है जिसका पहले पृष्ठ के द्वारा, जिसका पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, बनता है, ठीक, जिसकी दूरी पी वन आई डैश है, जो वी डैश है, वस्तु की दूरी जो आपकी है, वस्तु की दूरी ध्रुव पी वन से पी वन ओ क्या है? यू है। इतना समझ में आया? क्या मैंने लिखा? माना एक पतला लेंस एल है जिसकी वक्रता त्रिज्याएं आर वन और आर टू है। लेंस के बाईं ओर माध्यम एक का अपवर्तनांक एन वन, दाईं ओर के माध्यम तीन का अपवर्तनांक एन थ्री है, और लेंस जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक एन टू है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जिसका पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, जिसकी दूरी पी वन आई डैश से वी डैश हो गया, वस्तु की दूरी ध्रुव पी वन से पी वन ओ है, और इसकी दूरी यू है। अब ध्यान दीजिए आगे कैसे देखेंगे। ये देखिए, पहले पृष्ठ, पहले पृष्ठ, पहले पृष्ठ से अपवर्तन हेतु, कौन से पाले पृष्ठ से ठीक अपवर्तन हेतु सूत्र क्या है? एन टू अपान वी माइनस एन वन अपान यू बराबर एन टू माइनस एन वन बटे आर, ये समीकरण एक है, ठीक। समीकरण एक दिख रहा है, समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखिए एन टू, ठीक, एन टू अपान प्रतिबिंब की दूरी बेटा क्या है? वी डैश है, प्रतिबिंब की दूरी वी डैश है, माइनस वस्तु की दूरी एन वन और यू वस्तु की दूरी हो, बराबर एन टू माइनस एन वन, वक्रता त्रिज्या कितनी है? आर वन है। ये समीकरण आपका दो बन गया, हो गया इतना। अब इसके नीचे यहाँ तक दिखेगा, यहाँ तक यदि दिख रहा है तो देख लीजिए क्या है। अब जो प्रतिबिंब आई डैश बना है दूसरे पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करता है। प्रतिबिंब जो बना है आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु, ध्यान दीजिएगा, वस्तु का कार्य करता है,
किसका कार्य करता है? वस्तु का कार्य करता है। पहले पृष्ठ के द्वारा, पहले पृष्ठ के द्वारा ठीक इसका प्रतिबिंब, सॉरी पहले नहीं है, दूसरे पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ के द्वारा इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। कहाँ बनता है? आई पर बनता है। जिसकी ध्रुव P2 से P2 आई डैश ए वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी क्या है? V डैश माइनस T है। प्रतिबिंब की दूरी P2 आई क्या है? V है। अब चलिए दूसरे पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन की शर्त है, इधर देख लीजिए, यहां तक समझ में आ गया। आई डैश जो है दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, इसके लिए दूसरे पृष्ठ के द्वारा इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? आई पर बनता है। आई पर बन गया ठीक। P2 आई डैश वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी V डैश माइनस T है। इसके बाद प्रतिबिंब की दूरी P2 आई है और ये दूरी कितनी है? V है। अब आगे आप लोग देखिए, देखिए आगे, आगे क्या है? दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन हेतु, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन हेतु समीकरण एक में, किससे? समीकरण एक में मान रखने पर, रखिए माध्यम एक कौन सा है? N3 है। जहां N2 होगा वहां N3 हो जाएगा और वस्तु की दूरी क्या है? यहां पे V है। माइनस माध्यम यहाँ पे N1 है, लेकिन ये माध्यम क्या है? N2 के द्वारा, और इसकी दूरी जो वस्तु की है V डैश माइनस T है। इतना आया बराबर N3 माइनस N2 अपान R2। ये समीकरण आपका, ये दूसरा है, ये आपका हो गया तीसरा। कौन सा हो गया? तीसरा। अब समीकरण दो और तीन प्राप्त हुए। ये दूसरे पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है उसके लिए अपवर्तन हेतु समीकरण एक में मान रखा गया, ये माध्यम है तीसरा है, तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति जो बनी है वो N3 V डैश हो गया। माइनस किसके द्वारा बना है? दूसरे पृष्ठ के द्वारा बना है, कांच है, तो ये वस्तु की दूरी हो गई V डैश माइनस T। वक्रता त्रिज्या R2 हो गई। इतना आया। अब ये समीकरण दो है और ये तीन है। समीकरण एक, समीकरण एक व समीकरण कौन से? तीन को जोड़ने पर, जोड़िए बाईं ओर क्या है? N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U प्लस बाईं तरफ का इस समीकरण में से और बाईं ओर का इस समीकरण में से एक तरफ जोड़ेंगे। N3 अपान V माइनस N2 अपान V डैश माइनस T। अब चलिए बराबर, यहां दाईं तरफ क्या है? N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N3 माइनस N2 अपान R2। नाया यहां ध्यान देंगे एक चीज, V डैश की तुलना में, V डैश की तुलना में यहां भी लिख सकते हैं, चाहे ऊपर यहीं लिख सकते थे, V डैश की तुलना में
टी उपेक्षणी है, टी वी डैश की तुलना में वी डैश की तुलना में टी बहुत ही छोटा है, ठीक है, छोटा है, ठीक। अतः टी डैश को छोड़ने पर, छोड़ दीजिए, जब छोड़ देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एन टू अपान वी डैश माइनस एन वन अपान यू प्लस एन थ्री अपान वी माइनस एन टू अपान टी को छोड़ दोगे तो वी डैश बचेगा बराबर एन टू माइनस एन वन अपान आर थ्री प्लस एन थ्री माइनस एन टू अपान आर टू। ए प्लस में ए माइनस में दोनों कट गए, बचा क्या, एन थ्री अपान वी माइनस एन वन अपान यू एन टू माइनस एन वन अपान आर थ्री प्लस एन थ्री माइनस एन टू अपान आर टू। यही जो हमने घेरा है ये चौथा समीकरण, यही लेंस के अपवर्तन का सूत्र है। क्या है सूत्र है, जब कब का है, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न था। ये आ गया केस एक है, स्थित यहाँ पे केस डाल देंगे, केस नंबर वन क्या है, केस यही देखिए जो हमने लाया है, यही लेंस के अपवर्तन का सूत्र है, इतना डेरिवेशन हुआ। केस नंबर एक में क्या, यदि एन वन बराबर किसके हो जाए, एन थ्री के, मतलब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो जाए, तब एन वन बराबर एन थ्री अगर मान लिया जाए तब समीकरण कितने से, चार में मान रखने पर, समीकरण चार से कह दीजिए तब भी, जहां जहां समीकरण चार में एन थ्री है वहां पे एन वन रख दीजिए। ए एन वन अपान वी हो गया माइनस एन वन अपान यू हो गया, चलिए बराबर एन टू माइनस एन वन अपान आर थ्री है प्लस एन थ्री माइनस एन टू अपान आर टू है, हो गया, सॉरी जहां पे क्या था एन थ्री वहां पे आपने एन वन रखा, इसमें से क्या कॉमन है, एन वन कॉमन है वन अपान वी, ठीक, माइनस वन अपान यू बराबर एन टू माइनस एन वन अपान आर थ्री, पहले इसको कोष्टक में ले लीजिए, प्लस माइनस एन टू प्लस एन वन आगे पीछे करके लिख दीजिए, माइनस एन टू को पहले और प्लस एन वन को बाद में। इसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, माइनस को आप कॉमन लेंगे, माइनस को आप क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो एन टू माइनस एन वन दिख रहा है अपान आर थ्री एक कोष्टक में, प्लस अगले कोष्टक में क्या हो जाएगा, प्लस जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस माइनस, एक कोष्टक में एन टू प्लस हो जाएगा और ये एन वन माइनस हो गया बटे आर टू हो गया। यहां पर एन वन वन अपान वी माइनस वन अपान यू बचा, दिख रहा है यहां तक दिखेगा, ध्यान दीजिए जहां तक दिखेगा यहां तक, यहां पे एन टू माइनस एन वन कॉमन ले लीजिए, कोष्टक में वन अपान आर थ्री
यहाँ आर थ्री एक जगह गलती हुई बेटा, ये आर थ्री नहीं है, ये आपका आर वन था, यहाँ पे आपका आर वन है, सॉरी इसके लिए थोड़ी सी गलती हो गई, ये आर वन है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर वन है, आर वन के बाद इसमें यहाँ भी आर वन रहेगा, यहाँ भी आपका आर वन रहेगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखने में, जहां हमको R1 लिखना था वहां हमने R3 लिख दिया था, तो अब हमने चेंज कर दिया, थोड़ा आप देख लीजिएगा। अब चलिए 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 कोष्टक बंद, N1 गुणे में जाएगा उस तरफ भाग में हो जाएगा। एक फार्मूला हम पढ़े हैं बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़े हैं कि लेंस का सूत्र एक बटे एफ बराबर एक बटे वी माइनस एक बटे यू पड़े हैं, दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेंस का सूत्र है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, एन वन वन अपान एफ। अब ए एन वन गुड़े में है, इसको उस तरफ ले जाइए, भाग में हो जाएगा एन टू माइनस एन वन दिख रहा है, बटे पूरे की एन वन, इधर एक कोष्टक में आर वन माइनस आर टू अगले कोष्टक में, इतना हो गया ऊपर यहां दिखेगा। अब चलिए इसके बाद वन एफ है, ठीक वन एफ है, ये दोनों के बटे में है तो अलग अलग कर दीजिए, एन टू अपान एन वन माइनस एन वन अपान एन वन हो गया, ठीक। अब चलिए वहां पर अगले कोष्टक में बचा क्या है, लिखे हो वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू लिखे हो, इतना लिखे हो ना। इसके बाद वन अपान एफ बराबर ए इससे कट जाएगा, एन टू अपान एन वन हो जाएगा, और यहाँ माइनस एक हो जाएगा, वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। हम ए पढ़े हैं वन एन टू बराबर क्या, एन टू अपान एन वन पढ़े हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना वन अपान एफ बराबर यहाँ लिख सकते हैं वन एन टू माइनस वन वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। और एक चीज और पढ़े हैं वन एन टू बराबर क्या, एन पढ़े हैं, यही पढ़े हैं ना, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं वन अपान एफ बराबर एन माइनस वन, एक कोष्टक में वन अपान आर वन अपान आर टू, ए हो गया। केस से आपने निकाल दिया, ये पूरा निगमन हो गया। उम्मीद है कि आप लोग इस निगमन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा बोर्ड भर गया निगमन से, और ये बड़ा निगमन था, आपको सभी निगमन करा दिए जा रहे हैं। कोई भी दिक्कत है, कोई भी तकलीफ है, तो आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, और मैंने एक चीज, हर भाग का हर पीडीएफ को लोड भी कर दिया जाता है कि आप लोग उस पीडीएफ से नोट बना लीजिए, आपको कोई दिक्कत ना हो, नोट आप बनाते रहिए, जब कभी विद्यालय खुलेगा तो आपको आगे से पढ़ाया जाएगा, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, अब अगले भाग में मिलेंगे, ठीक, थैंक्स।